आज लाल चंद्रमा के ग्रहण की रात जब काले तंत्र की अंधेरी भूल भुलैया प्रकट हो गई, तब मिदिली नाम का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में भयंकर रूप ले लेगा। पश्चिम से जन्मे कम दबाव के क्षेत्र से निकलने वाली हवाएं तेज पूरे भारत में विकराल और प्रचंड तबाही मचाएगी। रात भर कड़कती बिजली और तेज बारिश के आसार आज की रात धरती के छोर के पास से ऐसा कहा जाता है कि इस रात रक्त बीज के बचे हुए कणों में जागृत होने वाली वर्तमान के संतुलन में कुछ समय के लिए दरार पैदा करती है। 1000 साल बाद आए इस मुहूर्त में सारी काली शक्तियाँ किसी नियम से बाधित नहीं होती। नाउ एंड टाइम डिस्ट्रॉय ऑफ द होल वर्ल्ड द एपोकलिप्स नियर एंड द वर्ल्ड विल सी हाउ गॉड हैज प्लान्ड इट्स एंड। क्रोध और बल में संतुलन ही राज है महान बनने का। जो भी उसे हासिल कर ले केवल वही कड़ी की पहली पंक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। उसके लिए महेंद्र पर्वत पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर पशु पदास्त्र को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करनी होगी। जो शक्ति के अभिमान में भी धर्म का साथ न छोड़े केवल वही कड़ी की दूसरी पंक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। उसके लिए हस्तिनापुर के जंगलों में भटकने वाली एक आत्मा जैसे श्राप है असीमित पीड़ा का, उसे खोज के उसकी पीड़ा से मुक्ति देनी होगी। अपने आप को समर्पित कर जो भगवान की दिव्यता में विलीन हो जाए केवल वही कड़ी की तीसरी पंक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। उसके लिए गंध मदन पर्वत पर रहने वाले एक वानर, उसे खोज कर उसकी अनंत समाधि से जागृत कर कर्तव्यों की अनुभूति देनी होगी। जो भी अपने गुणों को एकाग्र कर अपने सामर्थ्य को और बढ़ाए केवल वही कड़ी की चौथी पंक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। हिमाद्री पर्वत की गहराई में कहीं छुपे हैं कौरवों और पांडवों को शास्त्रों की शिक्षा दे के काबिल करने वाले वो आचार्य, उन्हें खोज के सेना को प्रबल बनाना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे तुम अधर्मियों के साथ रह के भी धर्म का कार्य कर सकते हो। केवल ऐसा सीखने वाला व्यक्ति ही कड़ी की पांचवी पंक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। जगन्नाथपुरी में भगवान का हृदय आज भी धड़कता है। उनके भक्तों में एक धर्म पुरुष भी है, उनसे मिलकर अंधेरे पर जय प्राप्त करने के बाद धर्म की स्थापना करनी होगी। ज्ञानगंज के छोर पे हिम पर्वतों के बीच अपने ज्ञान को महाकाव्य महाभारत का रूप देके दुनिया तक धर्म का संदेश पहुंचाने वाले महर्षि ही तुम्हारी सभी कड़ियों को जोड़ के तुम्हें अस्त्र देंगे। पाताल की गहराई में एक राजा है। भगवान ने 3 पग भूमि मांग के उन्हें पाताल का सिंहासन दिया था। उन्हें खोज के अपने सारे शस्त्रों को जागृत करो और अंत में अंधेरे का सर्वनाश शुरू करना।